आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबरदस्त बारिश का कहर जारी है और इस बारिश के कहर के बीच रेलवे भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए रफीक खान की ये रिपोर्ट। दरअसल सिवनी के बहुत करीब बिटली रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक के ऊपर से जबरदस्त तरीके से पानी बह रहा था। इस पानी के बहाव के चलते यहाँ पर रेल का परिचालन कुछ समय के लिए रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से बहता हुआ नजर आ रहा होगा। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया, सिवनी और भौमा के बीच किलोमीटर 1187/6C से लेकर 9C के बीच पानी का ओवरफ्लो होने के कारण लेवल क्रॉसिंग गेट 44A जिसका निरीक्षण PWI सिवनी के द्वारा किया गया और उसके बाद यहां पर ट्रैक को सस्पेंड कर दिया गया। रेलवे के सूत्रों ने इस बात की जानकारी भी दी है कि ट्रेन नंबर 8272 नैनपुर छिंदवाड़ा आज कैंसिल की गई है। भौमा में ट्रैक में पानी आ जाने के कारण ये भी जानकारी रेलवे के सूत्रों के द्वारा दी गई है। रेलवे के सूत्रों ने ये भी बताया कि ट्रेन नंबर 11755 इतवारी रीवा जो सावनेर सोसा छिंदवाड़ा सीनी होकर रीवा जाती है उसे आज डाइवर्ट कर दिया गया है। अब ये ट्रेन इतवारी से गोंदिया बालाघाट नैनपुर होकर रीवा की ओर प्रस्थान करेगी। सिवनी में अत्यधिक बारिश होने के कारण सिवनी के बिटली गेट पर पानी ट्रैक के ऊपर आ गया है। ये पूरे नज़ारे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ब्यूरो से रफीक खान की ये रिपोर्ट। ट्रैक के ऊपर पानी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ये ट्रैक का निर्माण अभी हुआ है और लगभग 1.25 साल पहले ही यहाँ पर कमर्शियल वाहनों का, पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन आरंभ यहाँ पर कराया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही लिट्टी की लालटेन के लगभग 150 एपिसोड में इन विसंगतियों को प्रमुखता से उजागर किया था। तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो बरघाट विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं, सिवनी के मूल निवासी हैं और वे सिवनी शहर में ही निवास करते हैं, उसके बाद भी उनके द्वारा इस सभी मामले में किसी तरह की कोई संज्ञान शायद नहीं लिया गया था। यही कारण था कि अधिकारी पूरी तरह अपनी मौज मस्ती करते रहे, अपने अधिकारियों के द्वारा मनमाना काम कराया जाता रहा। इस संबंध में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर के खिलाफ जांच के लिए। वो पत्र का स्मरण पत्र भी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा भेजा गया था, पर उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, पत्र तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा मीडिया को जारी किया गया था पर उस मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में उन्होंने आज तक मीडिया को नहीं बताया कि उस मामले में कार्रवाई क्या हुई या रेलवे के इस घटिया निर्माण को लेकर उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए रफीक खान की रिपोर्ट। आपको हम ये दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ एक बार फिर आप देख सकते हैं बहता हुआ पानी, ट्रैक के ऊपर से बहता हुआ पानी। निश्चित तौर पर जब भी विस्तृत प्राकलन, जिसे अंग्रेजी में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR कहा जाता है, जब भी DPR बनाया जाता है तब उस DPR के बनाए जाते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की आपदा विपदा से इसे दो चार तो नहीं होना पड़ेगा। DPR चूँकि DPR में ही खामी थी, ये बात हम नहीं कहते, रेलवे के सूत्रों का कहना है कि DPR में ही खामी थी जिसके चलते ये स्थितियाँ बनी हैं और भविष्य में भी इस तरीके की स्थितियों के बनने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात भी सूत्रों के द्वारा समाचार एजेंसी को बताई गई।
ये कुछ फुटेज रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मुहैया कराई, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी किस कदर बहता हुआ नजर आ रहा है, कितना जबरदस्त पानी बह रहा है। कहीं आसपास जो भी नाला नाली होगी उसे डाइवर्ट नहीं किया गया होगा, उसे पानी की निकासी बराबर प्रॉपर नहीं होने के कारण ही इस तरीके की स्थिति संभवतः बनती हुई दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए रफीक खान की ये रिपोर्ट। सिवनी में रेलवे स्टेशन की भी बहुत बुरी दशा नज़र आती है। सिवनी का रेलवे स्टेशन भी अभी हाल ही में वर्तमान सांसद भारती पारधी के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निरीक्षण के बाद क्या निर्देश दिए गए, रेल मंत्री से क्या चर्चा की गई, इस बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके द्वारा कोई विस्तार से किसी बात की जानकारी नहीं दी गई। वैसे सिवनी के लोगों का कहना है कि सिवनी जो संसदीय क्षेत्र है उसके विलोपन के बाद बालाघाट और मंडला संसदीय क्षेत्र में सिवनी की दो दो विधानसभाएं समाहित कर दी गई थी। और सिवनी का सौभाग्य था कि डॉक्टर लाल सिंह बिसेन के रूप में सिवनी को एक सांसद मिला था जो सिवनी के विकास में विकास पुरुष साबित हो सकते थे। सिवनी में केंद्र की न जाने कितनी योजनाएं उनके द्वारा लाई जा सकती थी, पर विडंबना ही कही जाएगी कि सिवनी योजनाओं को तरसता रहा। सिवनी का कलश इस मामले में पूरी तरह रीता ही माना जा सकता है। पर्यटन के मामले में भी जब पर्यटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री हुआ करते थे प्रहलाद सिंह पटेल, तब भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात को कहा गया था कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चाहें तो सिवनी में प्रहलाद सिंह पटेल के जरिए बहुत सारे पर्यटन के विकास पर्यटन के क्षेत्र में कराया जा सकता है, जिससे सिवनी के युवाओं को रोजगार मिल सकता था। विडंबना ही कही जाएगी यहाँ पर नहीं हुआ। ट्रेनें कुछ स्थगित हैं, कब तक स्थगित रहेंगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पीडब्ल्यूआई द्वारा निरीक्षण करेंगे रेलवे के सूत्रों का कहना है, उसके बाद उनके क्लीन चिट के बाद ही यहाँ पर रेल का परिचालन आरंभ हो पाएगा। रफीक खान की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।